हेलो दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ। आज हमारी बेस वायरिंग की कोर्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुका और गाड़ी पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको टास्क दिया गया है कि इस गाड़ी के अंदर इस लाइव प्रॉब्लम दिया गया है, बराबर। और पहले हम हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम डाल के देते थे, वो प्रॉब्लम उसने ठीक कर दिया। अभी लाइव प्रॉब्लम कैसे ठीक करते हैं बात करते हैं, चलिए। और उसके साथ बात करते पहले भाई, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम था? स्कैनिंग किया था पहले अपने गाड़ी को? वायरिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम है पहले, मुझे वो बताइए। बराबर, सेंसर का एरर आ रहा है तो वायरिंग में आएगा वो पार्ट, तो बराबर। तो आपने क्या किया अभी, सेंसर को रिप्लेस किया? हाँ जी। बराबर, सेंसर रिप्लेस कर रहे हो तो फिर आप सेंसर का एरर निकाल दोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, आप कंटिन्यू करते रहिए। ये लाइव गाड़ी है ना, कस्टमर की गाड़ी है ना, लाइव गाड़ी कर रहे हो ना। फिर यहाँ पर और एक हमारे पास लाइव गाड़ी आई है, क्योंकि हम लोग थोड़ा कस्टमर को खान साहब को मिलते हैं, चलिए। खान साहब ने आज वायरिंग का कोर्स ख़त्म कर दिया है और अभी फिलहाल लाइव गाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं। खान साहब, इसमें आपने क्या क्या काम किया, क्या क्या वर्क किया? इसका स्टार्टर खराब था, पहले स्टार्टर नहीं लग रहा था, मतलब गाड़ी धक्का दे के स्टार्ट करके लेके आए थे। हाँ, स्टार्टर को रिपेयर किया, ठीक किया, बराबर। फिर आपने किस तरह से डायग्नोसिस किया, आपको कैसे पता चला कि स्टार्टर के अंदर प्रॉब्लम है, वायरिंग के अंदर है, रिले के अंदर है या अदर जगह पर प्रॉब्लम है? आपको बैटरी चेक किया, राइट, पहले बैटरी सबसे पहले चेक किया, बैटरी सही है, उसके बाद मैं पूरा चेक किया, बराबर, फ्यूज रिले सब चेक किया, स्टार्टर से स्टार्टिंग वाली वायर निकाल के मैंने टेस्टर से चेक किया, बराबर, लाइव आ रहा है। मतलब आपने सेल्फ नहीं ले रहा है? हाँ, यहाँ तक सप्लाई आ रही थी स्टार्टर मोटर तक, आ रही थी स्टार्टर मोटर तक। हाँ, स्टार्टर में तो आपको उसी के हिसाब से पता चला कि स्टार्टर मोटर में प्रॉब्लम, फिर उसको खोल के आपने रिपेयर किया, ठीक है। ओके, थैंक यू। और अभी क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? वाइपर नहीं कर रहा, इसका वाइपर मोटर को चेक कर, बराबर, राइट। पर इसका वाइपर मोटर तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है, कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए मैं बोलूँगा क्योंकि ये वाइपर मोटर मात्र पॉजिटिव नेगेटिव इसके अंदर सप्लाई डायरेक्ट जाती है। देखिए, यहाँ पर इस कपलर को निकाल दिया है तो वाइपर मोटर के देखो ओनली फॉर तीन वायर से पूरा वाइपर मोटर चल रहा है। तो ये सिग्नल से, जब सिग्नल जाता है BCM से तब वाइपर चालू होता है, तो सिग्नल के अंदर अलग अलग स्पीड जाती है तो वो अलग अलग हिसाब से काम करता है। बाकी ये पॉजिटिव नेगेटिव तो उसको डायरेक्ट मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है, हाँ, सिग्नल से चलता है। ये अगर लगा दोगे तो आपका वाइपर मोटर डायरेक्ट हो गया है, बराबर, तो उसको ठीक करना है।